जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फ्री में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है SSC की तरफ से। SSC CHS 10 प्लस टू का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। और कब से कब एग्जाम कैंसिल किया गया, मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितने लोगों का जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल PDF ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा अपने किसी ब्राउजर को गूगल सर्च बार पर, और यहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना होगा SSC.NIC.IN। फ्रेंड्स, ये alljobs4.com पर भी देखने को मिल जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे फ्रेंड्स आप SSC.NIC.IN लिखकर सर्च करेंगे, आप SSC के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना होगा नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा 19 अप्रैल 2021, यानी कि आज ही का अपडेट निकल के हुआ है। इंपॉर्टेंट नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे SSC CHSL 10+2 के रिगार्डिंग है। यहाँ पे टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो रिवीज आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए पूछेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इससे पहले भी डाउनलोड कर रखा था, लेकिन आपके सामने एक बार और डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस, यहाँ पे पोस्टपोनमेंट के लिए है, और जो पोस्टपोन किया गया एग्जाम जो कैंसिल कर दिया उसी के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे कोविड की वजह से, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे SSC CHSL 10+2 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया 2020, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कब से ये कैंसिल किया गया है, 20/4/2021 से आगे जितना भी एग्जाम है उस डेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ कि क्या इसका जो जो एग्ज़ाम देते हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा, 12 से आपका एग्ज़ाम चल रहा था, 12 से मैंने वीडियो बनाकर ही बताया था 12 से 19 तक आपका एग्ज़ाम चला है। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 12 से 19 तक का फ्रेंड्स जिनका एग्ज़ाम हो गया उनका सही है, उनका फ्रेंड्स अब आपको इंतजार करना होगा रिजल्ट का, और आंसर की और रिजल्ट का। और जिनका फ्रेंड्स 20 से 27 के बीच में जिसका एग्ज़ाम है उनका फ्रेंड्स अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। उनका एग्ज़ाम कब होगा अभी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया, जैसे क्लियर किया जाएगा मैं इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स जिनका एग्ज़ाम बचा है, जिनका एग्ज़ाम 20 से 27 के बीच में था उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, उनका एग्ज़ाम अब नहीं होगा कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जिनका एग्ज़ाम हो गया उनका फ्रेंड्स वो आप इंतजार कीजिए, आपका आंसर किया आएगा और आपका रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद जो भी न्यूज़ या नोटिस आता है मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा आपका मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।